सो गाइस, आ चुका है हमारे पास एक नया मेहमान। इसका नाम है नॉइस फ्लेयर एक्सेल। तो आप देख सकते हैं ये 1 तारीख को लॉन्च हुआ था और आज ही हमारे हाथों में, आज ही मेरे पास ये डिलीवरी हुई। तो मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ, तो देखते हैं ये क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये नॉइस की पैकिंग के साथ आया है। थोड़ा सा केयरफुली इसको खोलें। इसके ऊपर नॉइस की टेप लगी हुई है जो कि मैं इसको हटा चुका हूँ। तो आप देख सकते हैं ये चेक कर लेगा, ये नॉइस की टेप लगी हुई हो हर तरफ और ये बिल हो आपके पास। ये ऐसे बॉक्स आएगा नॉइस के नाम से, इसको आप क्रॉस चेक ज़रूर करें कि कुछ ओपन तो नहीं है कहीं से। तो गाइस, जिसका इंतज़ार था अब हम खोलने जा रहे हैं उसको। कलर तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, तो अब हम इसको देखते हैं, इसको साइड में रखें। तो इसमें और कुछ नहीं है, बॉक्स हम साइड में रख देते हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी प्रीमियम बॉक्स लग रहा है इसका। कुछ स्पेसिफिकेशन इसकी मेंशन है पीछे कि 80 आवर्स प्ले टाइम, एनवायरमेंटल साउंड प्रोडक्शन, ये बहुत काम आने वाली चीज़ है। इसको आप देख सकते हैं IPX5 सर्टिफाइड, यानी कि वाटर रेजिस्टेंट है ये। आप बारिश में भी इसको यूज़ कर सकते हैं और ब्लूटूथ 5.2 जो कि काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी हमें प्रोवाइड करेगा। वॉइस असिस्टेंट है हमारे पास और इनहेंस बैटरी है जो कि 80 घंटे तक हमें दे रहा है इंस्टेंट चार्ज के साथ। तो ये रहा आपका फर्स्ट इंप्रेशन बॉक्स का, नॉइस फ्लेयर एक्सेल। तो हम इसको ओपन करने जा रहे हैं, देखते हैं इसका क्या है। ये चेक करिएगा आप लोग कि सील सब जगह हो। अब हम इसको ओपन करते हैं। काफ़ी अच्छा मैट फिनिश में इसका ये है बॉक्स और ये डॉटेड जो है काफ़ी अच्छा प्रीमियम लुक दे रहे हैं बॉक्स में। तो हम आगे बढ़ते हैं इसके अनबॉक्सिंग के लिए। सो देखते हैं, पहले मेन हमारे हेडफोन्स हैं, कुछ ईयरबड्स और ये इसके टिप्स मिलते हैं। काफ़ी अच्छा है कि अलग अलग साइज़ के इन्होंने अवेलेबल हैं, ये कुछ ज्ञान वाली बातें। और ये काफ़ी अच्छे दिखने वाले कुछ स्टिकर्स इसके साथ मिले हैं। सुनो दिल से, और ये इसका मैनुअल है जो कि हम आगे इसके डिस्कस करेंगे। हम आते हैं मेन चीज़ पे, अपने हेडफोन्स पे। इस हेडफोन का मैं काफ़ी इंतज़ार कर रहा था क्योंकि 80 आवर्स की बैटरी बैकअप कोई भी हेडफोन नहीं दे रहा। नेक बैंड काफ़ी अच्छी प्रीमियम क्वालिटी के साथ हैं, बिल्कुल फ्लेक्सिबल आप देख सकते हैं। और इसकी लेंथ भी काफ़ी अच्छी है और इसमें हाइपर कनेक्टिविटी है कि मतलब आप ऑन ऑफ हो जाएगा इसका। और मैग्नेट भी इसकी काफ़ी अच्छी है आप देख सकते हैं। और ये इसका कुछ वॉल्यूम रॉकर्स एंड वॉल्यूम प्लस माइनस का है। और इसी में ही आपका ये पोर्ट देख सकते हैं एक छोटा सा, ये इसका माइक है। और यहाँ आगे एक और है जो कि इसका एनवायरमेंटल साउंड रिडक्शन का काम करता है। और इसी के अंदर है आपकी दो साइडों में बैटरी। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा प्रीमियम फिनिश है और काफ़ी सॉफ्ट टच है। और ये साइडों में ये है वैसे फाइबर का और ये प्लास्टिक, देख सकते हैं आप प्लास्टिक को, पर ये मेटेलिक लुक देता है।